मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। क्या बोला तूने? मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको तमाशे देखना पसंद है वो भी पाकिस्तानी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक तरफ तो है जाहिल जज्बाती पाकिस्तानी और एक तरफ है लॉजिकल बात करने वाला पाकिस्तान, और बीच में फंस गया रिपोर्टर। जैसे रिपोर्टर ने इंडिया की तारीफ करी, जाहिल तो बस रिपोर्टर को मारने ही दौड़ पड़ा, और यही तमाशे का हम लेंगे आनंद। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। ये सुन रहे होंगे आप, तो अपना स्टांस वही रखेंगे या क्या कहेंगे? रिलेशन बेहतर होने चाहिए मेरे ख्याल में। जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की है इंडिया से हालात बेहतर करने आप की, वो उसके बाद में नहीं उसकी तरफ बाद में आते हैं। आप ये बताएं होने चाहिए या नहीं, बस वो फिर बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे इंडिया के साथ, जो कश्मीर इश्यूज हैं, जो इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो हमारे यहाँ, हाँ एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेडली ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है। हमें इंडिया के भी कंसर्न देखने चाहिए ना कि कहाँ पे उनके कहाँ पे कंसर्न है जो हमारी इंटरफेरेंसेस है। एक साइड पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। 1948 ऑनवर्ड्स हम लोग कितनी जंगें लड़ चुके हैं, क्या नतीजा निकला कश्मीर का? और इस टाइम कश्मीरी हमसे ज्यादा सुकून में, आप मुझे बताएं तो फिर उसमें हम उसको कर रहे हो। आजाद कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, वो हम लोगों से इंडिया साइड कश्मीर हमारे से ज्यादा दोनों, मेरा ये ख्याल है। आप देख लेना, जिनके लिए हम लोगों ने आज तक अपने रिलेशन नहीं ठीक किए ना, वो तो रिलैक्स है, पर निस्बतन रिलैक्स है। हम लोग यहाँ पे 800 रुपए लीटर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं वो रिलैक्स है। कैसे कह सकते हैं कि वो रिलैक्स नहीं है? अपना आपका सवाल था पहले, अब बताएं ना। सबसे बड़ी बात है सर, उनको आज़ादी अभी तक नहीं मिली, वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि एक रेफरेंडम हो, जिसके हमें हक दिया है रेफरेंडम का कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान, सबसे पहले उनको वो राइट दिया जाए। ये जाहिल पोरकी बोल रहा है कि कश्मीरियों को हक मिलना चाहिए उनका, और हमेशा यूनाइटेड नेशन के रेजुलेशन के बारे में बात करते हैं, जबकि इन जाहिलों को यूनाइटेड नेशन का रेजुलेशन है क्या वो तक नहीं पता। यूएन रेजुलेशन में तीन बात बिल्कुल पॉइंटेड है। सबसे पहली बात, जो पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, वहां से उसको अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी, और कश्मीर की सुरक्षा के लिए भारत अपनी थोड़ी बहुत सेना वहां रख सकता है, पूरे कश्मीर में जो पीओके है और जो इधर वाला कश्मीर है। फिर इसके बाद होगी वोटिंग, और इन शर्तों का जो सबसे पहला पॉइंट है वही तुमने आज तक पूरा नहीं किया, तुमने आज तक अपनी सेना नहीं हटाई वहां से। कौन से कश्मीरी को हक की बात करते हो भाई तुम जालिम हो जालिम, कश्मीर के नेचुरल रिसोर्स लूटना चाहते हो बस, कश्मीरियों से कोई प्यार नहीं तुम्हें भाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब एक कश्मीरी तुमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तुम जैसे भूखे नंगों को तो आजकल भाव भी नहीं देते। सही बात है जनाब, मैंने यही बात की है ना, तो अब खुश कैबिनेट डिसाइड होने वाली होती है, एमपी के बैठ के डिसाइड हो रहे हैं कि भाई अगर हम लोग वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू इधर से ही दिए जाएंगे तो कैसे, उनको भी बीच में बिठाएं, टेबल टॉक करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करनी पड़ेगी ना। अगर 100% एग्री करता हूं टेबल टॉक, लेकिन ट्रेड बंद होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं? ट्रेड बिल्कुल नहीं है इसमें, ये जहां पे आपके माशी मामला आ जाते हैं उस पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भाई। मुझे बताएं 800-900 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल कौन खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं। वहाँ पे क्या रेट है वहाँ पर? मेरा ख्याल है अब उनके तीन गुना हमारा करेंसी का डिफरेंस। ओवरऑल बताता हूँ कि वहाँ पे जो चीज, लेट्स सपोज अगर सब्जियों की बात करें, वहाँ पे जो सी चीज 20 रुपए केजी मिल रही है, यहाँ पे वो 200-150 केजी। उन्होंने जज्बाती होके हमेशा अपना ही नुकसान किया है, और वो अब वो हम करते रहेंगे, लेकिन चले अल्लाह करे। सोच बदलनी है ना, मुझे बदलनी है क्या? सर आपसे क्वेश्चन है, आप आजादी किसे कहते हैं? बेसिकली वो आजाद हैं, हम वो कश्मीर वाले आजाद हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीटिंग करके अब देखें भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है, इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के अपने चैनल, ठीक है अब मैं बात कर रहा हूँ, कौन लोग आई डोंट नो आप फिर इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है, हमने भाई क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। सर आम आज खुले, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं खुले आम कहता हूँ मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की, मैं बात कह रहा हूँ बात इस तरह होनी चाहिए। आप हमारे अंदरूनी मामला की बात करें, हमारे मौजूदा मसाइल की बात करें, आपके इंटरव्यूज की वजह से, आपके इंटरव्यू मैं खुद देता हूँ, मैं फॉलो दूँ, मैं रेगुलर अब आपसे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैं इस बंदे के देता हूँ,
इसके जो इंटरव्यूज होते हैं ना कई है, हमारे आप तो फिर समझ आ रहे बड़े बात गिन चुन के कर रहे, ये दिखाता है ये देखे ये भाई सिटी देखे लोग कहते हो एक भी मेरी ऐसी वीडियो आए तो मैं यहाँ पे ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे कितनी कितनी एजुकेटेड बात हो रही थी, एजुकेटेड बात हो रही थी। ब्लेम गेम में जाना मकसद नहीं है, मुद्दा इमोशनली जब सोचेंगे सर, इमोशनली जब आप सोचेंगे तो ऐसे ही होगा, जंगे ही होगी, आपको मेंटली सोचना चाहिए। टेबल टॉक वाली बात है, ये नहीं है कि वो हिंदू है और हम मुसलमान है, वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान है। नेगेटिवली दिखाते हैं वीडियो, दिखाते हैं तो उसमें मेरा कसूर है, मैंने मेरा काम है मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूंगा, मेरा काम है। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर, आप तो मैंने इट पुटो तो एंकर निकल आंदा है, ठीक है, अच्छी बात है ना, ये तो उनका राइट है। हम एंकर नहीं, अगर उन्होंने आईटी को और इन मामलों को यूट्यूब को अपना अर्निंग का सोर्स बनाया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों ने 9 to 5 नौकरियां करके क्या आजकल आज तक में क्रिकेट किसने बंद की हमारे साथ खेलना? हम तो कह रहे क्रिकेट से शुरुआत करो, वो क्यों नहीं कर रहे? पता है अभी क्रिकेट भी हमारा मैच होने जा रहा है, आपको चीजों का वही वो इंटरनेशनल आईसीसी के मैचेस होते हैं जो मेन ये मसला है ना कि वो यहाँ आके नहीं खेलना चाहते ना, लेकिन क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ लगा दो आप, लगाना चाहते हैं? हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। आप में से कौन कौन ये कहना है? और इससे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद पहले है, लेकिन ये तो आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप कहेंगे इंडिया भाई? अभी देखे इंडिया के साथ तल्लुकात की बात कर रहे हो ना, तो भाई इंडिया के साथ नहीं, मैंने ओवरऑल बात की, टॉपिक पे रहते हैं। इंडिया से मेरे ख्याल में जितने अच्छे तल्लुकात हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिकेट से शुरुआत करो, भाई क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं? ये हमें नजर आते हैं, यही वीडियो इंडिया में देखी जाए तो वो क्या समझेंगे? मेरी बात सुने ना, नॉर्मल कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, डेली हाउस होल्ड चीजें हैं, आलू प्याज टमाटर बंद करके किसका नुकसान हुआ? किसका भाई? इंडिया ने भी ट्रेड बंद की है हमसे, हमने नहीं बंद की, इंडिया भी ट्रेड बंद कर रहा है, यही नॉलेज है ना। अगर हम क्या, उसने कॉटन बंद कर दिया हमारा, ट्रेड किसने बंद की? कोरोना में मेरी बात सुने, जब सारी दुनिया पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुली थी ना, हमें बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले थे, सब कुछ जा रहा था, लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का माइंडसेट है हम लोग किसी चीज को मेंटेन कर ही नहीं सकते, हमने अपनी क्वालिटी इतनी गिरा दी, उसके बाद हम ट्रेड से कश्मीर पे आ गए। चले कश्मीर की बात, आर्टिकल 370 की वजह से इरेलेवेंट है कि मैं अब आपको ये कह देंगे आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं, वो उसका राइट है, मेरा अपना राइट है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कश्मीर, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। देखें पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान के लाहौर में शहर में खड़े हैं और बहुत बड़ा बाजार है, लाइट नहीं मौजूद, हमें ये रोना है डेवलपमेंट का, रोना है या फिर हम कश्मीर की बात? हम आजाद नहीं है, वो आजाद है। मैं सर इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं? मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, सिर्फ मोस्टली आई बिलोंग श्रीनगर, हम पाकिस्तान के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, कोई दूसरी बात नहीं है। वो बात ठीक है, कश्मीर पॉजिटिव मरना पसंद, हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ रहना है, मरना है, जीना है। तल्लुका बहाल करो, इंडिया की बातों बातों में इंडिया आप करो, बातों बातों में पाकिस्तान को लो करो। भाई तू अभी बात हो रहे हैं सर, ये देखें अभी कह रहे थे मैं इंडिया के साथ तल्लुकात चाहता हूँ, भी कहते हैं इंडिया के साथ तल्लुकात की। मेरा आपको यहाँ पे ये एडवाइस है, वो जिस तरह आपका राइट है ना अपने चैनल पे किसी भी तरह का कंटेंट दिखाना, ये उनका राइट है, अब आपकी मर्जी है उसका, उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप उस पर दिखाएं या ना दिखाएं। तल्लुकात करने की हमारी गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट आगे नहीं हो रही। मैंने तो कहा है कि एमईकेबी कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करनी है ना भाई, ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो तो क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहते, हम तो फिर क्रिकेट मैच चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी ना उसका अगले दिन रिजल्ट आप ही देख लेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है रिलेशन बेहतर करना? बिल्कुल, ये जो आप गवर्नमेंट आई है, अब आई आपकी बात ओवरऑल, ये इनके ये नहीं ओवरऑल जब भी ये तो परवेज मुशर्रफ की भी आप बात करें तो ये आम ये जो पॉलिटिशियन से ज्यादा तो हमेशा ये जो डिक्टेटर से इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया के साथ मामला बेहतर है। तो ये अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, हम तल्लुका बेहतर नहीं करना चाहते, आपका मतलब ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया से तल्लुका बेहतर हो? ये नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बोला, मकसद यही है, बात करने का मकसद यही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, हमारे वजीरे खारजा इस वक्त के, ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है, अगर पहली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं थी तो जाहिर है कि उस चीज को वाइप आउट करने में, उसको बेहतर करने में टाइम तो लगेगा ना। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां गए हैं, गए नहीं जाना चाहिए था, इस तरह करने के लिए किसी को तो आना था ना आगे,
तो फिर अभी ये कह रहा है, अभी ये बंदा कह रहा है वहाँ पे गया, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इंडिया ने कहा है हम तो चाहते थे शुरुआत हो, आना जाना हो, टेबल टॉक हो, हम तो चाहते थे। पहले एजेंडा सेट होता है, उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, वहां जाके आपने क्या बात करनी है। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे, रस्ते खुलते हैं, रस्ते यूनाइटेड नेशन अच्छा। में जाके बिलावल साहब ने पता क्या बोला था, पूछर ऑफ गुजरात, एक तरफ हम ऐसी स्टेटमेंट दें, दूसरी तरफ हम जाके कहें टेबल टॉक होनी है। उन्होंने ये बात कर दी, कही थी ये बात, इसलिए कहते हैं ना बात सोच समझ के करनी। इंडिया ने वहाँ 8 कंट्रीज की समिट में, अच्छा सुन तो ले, उसको एक तरफ गालियां निकालते थे और दूसरी तरफ कोशिश करते थे कि वहां पे उनके वो जी मेरा फोन नहीं। एक मिनट के लिए बात ही नहीं, एक मिनट बात भाई, अभी रिसेंटली एक माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहां पे कि भाई जाना है, तल्लुकात बहाल करें, एक समिट हो रहा है वहां पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता, अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है, इतना बड़ा उन्होंने। इसमें कैसे तो लुका बेहतर करें, इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है, आए जी तल्लुका उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है टेररिज्म। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले के लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद है, क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, वो हमारा अपना मामला है, दहशतगर्दी इनका अपना मसला है। तो भाई हम यही तो बोल रहे हैं, जो तुम्हारे दहशतगर्द है, जो तुम्हारा अपना मसला है, वो हमारे को तकलीफ दे रहे हैं, वो हमारे को तकलीफ देते आए हैं। हिंदुस्तान में आज तक जितने भी अटैक हुए हैं सब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें ये बंद करो, लेकिन तुम तो ठहरे पाकिस्तानी, आतंकवाद बंद कर दोगे तो भैया खाओगे क्या, फटोगे कहाँ जाके। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।